जिंदगी है ना, ये जिंदगी है काफी छोटी। और इस जिंदगी में मतलब क्या है कि अगर आपको सरप्राइज से मिले और वो भी आपकी लाइफ पार्टनर की ओर से मिले, तो ये है सोने पे सुहागा। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो फिलहाल मैंने आज रिसीव किया है ये एक पैकेट। इस पैकेट को ऑर्डर किया था मेरी वाइफ ने, निहारिका ने। एक्चुअली हम लोग की शादी को 1 साल होने वाला है, तो उसके लिए उसने मुझे एक गिफ्ट के तौर पे ये पैकेट मतलब वो आया था, आना था। तो वो करीब आना था, करीब आपके आज से 4-5 दिन बाद, लेकिन ये डिलीवर हो गया है बहुत पहले। तो वो चाहती थी कि सफ़ेद अपने हाथों से मेरे को दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं पाया और ये मेरे पास पहले आया। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ इसको खोलने के लिए कि आखिरकार इसमें है क्या। इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इस पैकेट में आखिरकार है क्या और उसने मुझे क्या सरप्राइज में गिफ्ट दिया, मतलब मेरी एनिवर्सरी का। ये पहले पहले हो गया क्योंकि मेरे से हमारी 27 तारीख को, लेकिन पहले ये मेरे पास आ चुका है। तो मैं इसकी करता हूँ अनबॉक्सिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ इस गिफ्ट के लिए। आखिरकार इसमें उसने क्या ऐसा ऑर्डर किया हुआ है जो उसने मैं बगैर बताया मतलब मेरे लिए ऑर्डर किया। मे बी ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, वेटेड लग रहा है, तो देखते हैं इसमें क्या है, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये जो आया है, जैसे हम लोग अमूमन क्या करते हैं, हम लोग मंगाते हैं अमेजन से, ये है टाटा क्लिक से। अब ये टाटा क्लिक न जाने एक और है शायद शॉपिंग साइट, मैंने नाम सुना हुआ है लेकिन मैंने पहले पहले देखा नहीं। इस पैकेट को मैं खोल रहा हूँ, इसमें एक्चुअली बाहर है ना, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि इसमें क्या है आखिरकार। ये खाली एक बिल टाइप का इसमें दिया हुआ है, तो इसको ज़रा खोलते हैं फिर देखते हैं इसमें क्या आखिरकार निहारिका ने मेरे को सरप्राइज के तौर पर दिया है। एक बॉक्स हो गया, ये शायद इसका बिल है। बिल अगर पूरा खोलूंगा तो पता चल जाएगा, अगर बिल नहीं खोल के ही देखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ये कुछ ऐसे फट चुका है मेरा ये, अरे वाह, अरे या ये तो मतलब काफ़ी अमेजिंग है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम लोग नेपाल राइड पे गए थे ना, तो नेपाल राइड पे जब हम लोग गए थे, तो नेपाल राइड पे मेरा GoPro 7 हो गया था ख़राब। तो मैं मतलब काफ़ी परेशान था, मैंने सोचा कि आखिरकार मैं अब वीडियो कैसे बनाऊंगा, मोटो ब्लॉग कैसे करूंगा। और देखिए, एक लाइफ पार्टनर की बात एक लाइफ पार्टनर जानता है, तो ये मेरे पास आ गया है अपग्रेडेड वर्जन। मेरे पास था पहले GoPro 7 ब्लैक, अब मेरे पास पहुंच चुका है Hero 9 ब्लैक। आप देखो ना कितना अमेजिंग है, वाह। निहारिका के लिए स्पेशल थैंक यू फॉर दिस। इसे खोलते हैं, देखते हैं इस डिब्बे में आखिरकार क्या क्या है इस बार। तो इसका थोड़ा पैकिंग पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना, पहले कुछ अलग टाइप की पैकिंग आती थी GoPro की। जो मेरे पास आया था तो कांच का ऐसे सेट था, उसके नीचे कुछ उसके एसेसरीज वगैरह रखे रहते थे। अब मैं इसे खोलता हूँ यहाँ से, इसमें यहीं से ही खोलना पड़ेगा शायद इसको। हमने यहाँ से इसे खोल दिया है, ओपन कर दिया है ये। इसे खोलने के बाद इस डब्बे के अंदर एक और है, ये एक डिब्बा ये है, ये बैग काफ़ी अच्छा लगा मेरे को उसका। मैंने एक दो वीडियो तो देखे थे, उसमें ऐसा दिखा रहे थे कि ऐसा कुछ बैग मिलता है GoPro 9 ब्लैक के साथ। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है देखिए, ये कैमरा हो गया मेरा, ये काफ़ी बड़ा है, GoPro 7 ब्लैक से काफ़ी बड़ा है। वाह यार, ये तो काफ़ी मतलब अमेजिंग है। अब मुझे लगता है कि इसकी एसेसरीज थोड़ी अलग टाइप की रहेंगी, अब देखना पड़ेगा क्या क्या है। साथ में इसमें एक चार्जिंग केबल आई हुई है और एक इसमें एक बैटरी है GoPro 9 की, और दो इसमें माउंटिंग है, एक ये है और एक ये है। मतलब ये हेलमेट पे ऐसे चिपकाने के लिए है, उसके ऊपर से ये लगेगा और इसके ऊपर GoPro लगेगा, तो खैर मेरे को मालूम है। और एक है साथ में इसके लिए ये स्क्रू, ताकि ये GoPro को टाइट कर लें। तो इस GoPro के साथ साथ अगर इसे फाड़ता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, अभी इस पहले से केस आता था, अब क्या केस नहीं आया, तो अभी ये जो माउंटिंग है ये ऐसे हो जाएगी। इसी को वापस डाल दो, जैसे GoPro 8 में है वैसा ही सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे और ये डाल देंगे। इधर पे कहीं पे है इसका, ये है
पावर बटन यहाँ पे एक बटन दिया है, एक ये रिकॉर्डिंग बटन सेम एच गोपो 7। अगर मैं बात करूँ इसके, अभी मैं इसको मालूम नहीं है कैसे चलाते हैं, शायद यहाँ पर कहीं बैटरी का कंपार्टमेंट रहेगा इसका। खुलता कैसे है नया, खुलना बहुत टफ टास्क है। तो मैनुअल पढ़ते हैं फिर देखते हैं खोल के एक बार, कहीं गलत हो गया तो और दिक्कत है। साथ में है एक गोप्रो का स्टिकर, ये तीन स्टिकर हैं इसमें गोप्रो के, जो हम इसमें गोप्रो पर ला सकते हैं। साथ में यह है इसका इंस्ट्रक्शन बॉक्स, इसी में ही पढ़ना पड़ेगा कि इसे कैसे खोलते हैं, ऐसा कहीं दिखाया है वो तो। हम इसके बैटरी के वगैरह देखते हैं, ये मैनुअल बुक है, आधी चाइनीज़ में है क्योंकि गोप्रो में भी चाइना से आता है तो सिंगापुर की कंपनी शायद, लेकिन पहले सिंगापुर से अगर कोई आपको क्लेम करना, सिंगापुर क्लेम करना पड़ता, लेकिन इसमें ऐसा कहीं कुछ है नहीं मैनुअल में, बस इतना ही ये डिब्बा है। ये डिब्बा बाहर का हार्ड केस है काफ़ी, और ये अंदर से एक बहुत अच्छा दिया गया है, थोड़ा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ताकि मतलब वो कम हो। जैसे खोल के देखता हूँ मेरे पास, इसमें तो कहीं दिखा नहीं है कि कैसे खोला जाएगा, कुछ फ़ोटो वगैरह भी नहीं है इसमें, है क्या? हाँ शायद इसमें दिया हुआ है स्क्रू वगैरह, यहाँ पर दिया हुआ है ये, इसे खोलने के लिए ये करना है, यहाँ पर से यूँ पुल करना है, यानी कि नीचे साइड से यूँ पुल करना है। अभी नहीं खुल रहा अमेरिकन ने, कैसे खुलेगा ना इंजन, इसको नीचे करना है यूँ, ये खुल गया, इसे यूँ नीचे को करके यूँ करना, तो यहाँ पर लग जाएगी हमारी बैटरी जो आई है इस पैकेट के साथ। तो ये हमने बैटरी डाल दी, बैटरी कैसे डालनी है, बैटरी यूँ डलेगी ना, हाँ बैटरी यूँ ही डलेगी शायद, कि मैंने बैटरी उल्टी डाल दी है, बैटरी यूँ डलेगी, यूँ बैटरी डलेगी यूँ, इसे वापस खींच के लग रहा है, हाँ ये अब छोड़ना पड़ेगा वापस खींच के, ये हो गया फिट। इसका पावर मोड बटन पहले गोप्रो 7 का यहाँ पे हुआ करता था, इसका इस साइड है, उल्टी साइड पे दिया हुआ है। ये देखिए इसमें एक डिस्प्ले यहाँ पे है, ये ऐसे पूरा व्यू जो गोप्रो दिखा रहा है अपना, ये एक एलसीडी होगी। अगर मैं इसको देखना चाहूँ यूँ तो सामने भी, मतलब इसमें क्या है, एक अभी जो रिकॉर्ड होगा वो सामने भी होगा, मतलब अभी क्या है कि हम लोग को थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में दिक्कत नहीं होगी, अभी हम लोग को सीधे सामने से यहाँ पर एक स्क्रीन आया तो दोनों ओर एक इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज हमको सेलेक्ट करनी है इसमें। अभी इसको एग्री करना पड़ेगा बाय यूजिंग आई एग्री टू टर्म यू अवेलेबल एंड गूगल, ये कर दो ऑन, जीपीएस ऑन कर दो, इंस्टॉल द क्विक एप्लीकेशन टू योर फोन टू फिनिश सेटअप लिखा हुआ है। अभी इसको करते हैं, कुछ सेटअप करते हैं फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगा, दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, थोड़ा भी मैं पहले इसके बारे में जान लूँ ये आखिर खैर वर्क कैसे करता है, क्योंकि मेरे को भी इसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन ये वेटेड काफ़ी है। और अभी मार्केट में ट्रेंड में GoPro 10 और GoPro 9 ही है, उसका GoPro 8 मिल रहा है, GoPro 7 मिलना बंद हो चुका है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा गिफ्ट है। थैंक यू टू निहारिका, स्पेशल थैंक्स फ्रॉम माई साइड। देखिए मैं आँखों में वैसे आंसू आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि एक यूट्यूबर के लिए जो कैमरे होते हैं ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये कैमरा देख के शायद आज रात भर मेरे को नींद ना आए, क्योंकि अभी जब कंपनी से आने का गेट में मेरे को ये रिसीव हुआ था तो पहले मैं सोचता था कि आखिर क्या, मैं तो कुछ मंगाया नहीं और ये मेरे को ऐसे मिल गया, लेकिन अभी मिल गया है तो यूज़ तो करने का है ना बिल्कुल बराबर, क्योंकि गिफ्ट तो गिफ्ट है, मज़ा आ गया, लेकिन दिल खुश हो गया। बहुत दिन से सोच रहा था कि GoPro 9 खरीदूंगा, लेकिन आज तमन्ना भी पूरी होगी, वो भी निहारिका ने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। अभी मैं से एक वीडियो बनाऊंगा इसका साथ साथ में, तो आपको बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स हैं इसमें।
पहले मैं खुद सीख लेता हूँ इसको, आखिरकार कैसा है ये। तो सो गाइज, मतलब ये जो मुझे गोप्रो मिला था गिफ्ट में, अभी मुझे क्या करना है, इसको अपने फोन से कनेक्ट करना है और बहुत सारी चीजें होंगी, तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा। अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके फीचर्स क्या क्या हैं। वैसे मुझे मालूम है कि इसमें 20 मेगापिक्सल कैमरा है इसका। जो GoPro 7 था वो था आपके 12 मेगापिक्सल, और इसमें काफी मतलब ये एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस है। तो मैं अगले वाले ब्लॉग में आपको बताऊंगा इसे यूज करने का तरीके, सब कुछ मतलब इसके बारे में बताऊंगा, ये कैसा है और कितनी बैटरी लाइफ है सब कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, और नया करते हैं नया धुमधड़ा का इस छोटे से ग्रुप के साथ।